अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप अपना SRS डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरी एक CS 619 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वीडियो के एंड में भी वो प्लेलिस्ट आ जाएगी। CS 619 के सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो मेरी पूरी सीरीज चल रही है, तो आज हम देखेंगे CS 619 का SRS जो आपका पहला असाइनमेंट है वो आपने किस तरीके से सबमिट करवाना है। तो वीडियो में चलते हैं, तो वीडियो में देखें सबसे पहले यह CS 619 लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसका असाइनमेंट टाइप में जाएंगे, तो असाइनमेंट टाइप जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर देख सकते हैं ग्रुप ID भी है, ठीक है, इसके अंदर, और प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। ये SRS डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, प्रोटोटाइप फेस, फाइनल एंड डिलीवरेबल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि SRS की जो है वो स्टार्टिंग डेट थी थर्सडे 9 जून और आखिरी डेट थी 5 जुलाई। तो उससे पहले पहले आपने सबमिट करना होता है, ठीक है। मैं गया, मैंने सबमिट पर क्लिक किया। इसके अलावा आप आगे देख सकते हैं कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, उसकी डेट क्या है, वेनसडे 6 जुलाई से। अगर आप पहला ये SRS कर देंगे उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ठीक है। तो सबमिट करने का तरीका देख लेते हैं, सारी इसके अंदर डेट्स वगैरह दी हुई हैं एक्सपायर का डेट, इंशाल्लाह इस पर भी हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं करूँगा, मैं सबमिट पे जाऊँगा। पहले सबमिट पे जाने के बाद मैं चूज़ फाइल करूँगा। चूज़ फाइल करने के बाद जहाँ पे मेरे मैंने लोकेशन पे अपनी फाइल रखी होगी वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, जहाँ आपने अपना SRS सेव किया हुआ था, ठीक है। मेक श्योर है कि आप अपनी SRS फाइल का बैकअप भी बना के रखें गूगल ड्राइव पर, ताकि इनके इसको डिलीट वगैरह हो तो आपके बैकअप पर रहे, ठीक है। तो अपलोड पर क्लिक करूँगा, देखें यहाँ पर मेरा असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। बैक करूँगा, बैक करने के बाद ये देखें यहाँ लिखा हुआ आगे सबमिटेड डाउनलोड, और देखें यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट पे नॉट चेक येट। इसका मतलब कि अभी एक्सटर्नल ने आपको यहाँ चेक नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक कि तो हमारा SRS हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर इसके अंदर कोई गलती होती है तो एक्सटर्नल यहाँ लिखा हुआ आएगा अगेन सबमिट करें, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपका इन केस कोई एरर नहीं होता तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मार्क एस कंप्लीटेड, ठीक है। तो वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड करना था, जब आप अपना SRS बना लेते हैं तो वो इस तरीके से सबमिट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए कभी लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।